ओम शांति। आपका प्रश्न है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं नहीं है। जिसके लिए वो प्रश्न पूछती हैं कि यदि परमात्मा सर्वव्यापी है तो उसे ढूंढने की क्या जरूरत है, जंगल में जाने की क्या जरूरत है, मस्जिद में गुरुद्वारे में जाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, हमें हवा भरवानी है, हवा तो सब जगह है, हवा भरवाने के लिए हमको फिलिंग स्टेशन पर जाना पड़ता है। इसलिए परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा से प्राप्ति करने के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाना पड़ता है। क्या हम गलत कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है? एग्जाम्पल गलत नहीं है, परंतु परम आत्मा और वायु, परम आत्मा और पानी, ये एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म और विशुद्ध रूप में ज्योति का सूक्ष्म रूप है। इसको आप समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से अंतर करना आसान होगा कि परमात्मा ज्योति है। ये सब कहते हैं, आत्मा भी ज्योति और परमात्मा भी ज्योति। गीता इसे कहती है कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति। अब गीता यहां चुप हो जाती है कि कितनी सूक्ष्म है। परमात्मा आकर अपना परिचय स्वयं कराते कि मैं कितना सूक्ष्म, मैं ज्योति हूं, आत्मा भी ज्योति है, सभी आत्माएं ज्योति हैं, मैं भी एक आत्मा हूं, मैं परम आत्मा हूं। और आत्माएं अपने गुणों के हिसाब से, देव आत्मा है, कोई धर्म आत्मा है, कोई महान आत्मा है, कोई पुण्य आत्मा है, कोई पाप आत्मा है, कोई दुष्ट आत्मा है। आत्मा अपने अपने गुणों के हिसाब से प्रीफिक्स लेती है। मैं आत्मा के साथ परम लगा है क्योंकि मैं परम हूं, सर्वोच्च हूं, बाकी सब में जैसे गुण है वो वैसे दिखाई देते हैं, उनके साथ वो प्रीफिक्स लगाया जाता है। अब हम आत्मा यूनिक है, हर आत्मा यूनिक है, एक जैसी दो आत्माएं नहीं हो सकती। जैसे मैं आत्मा और आप आत्मा, दोनों अलग अलग हैं। आपके कर्म का फल आपने लेना है, अच्छा या बुरा किया है, और मैं आत्मा ने अपने कर्म का फल मैंने लेना है, अच्छा किया या बुरा किया है। हर आत्मा को अपने कर्म का फल लेना है। तो हर आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और कर्म का फल भोगने के लिए भी स्वतंत्र है। ऐसे परमात्मा भी एक यूनिक आत्मा है। हम दोनों एक जैसे हैं, परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, हम जन्म मरण के चक्कर में आ जाते हैं। ओनली द डिफरेंस, हमारी बैटरी डाउन होती है, हम आत्मा बैटरी डाउन होते हैं, परंतु परमात्मा बैटरी कभी डाउन नहीं। तो हम आत्मा और परमात्मा के रूप को आज हम जानेंगे। परमात्मा को कहा ज्योति, आत्मा को कहा ज्योति, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, कितनी सूक्ष्म, उसे परमात्मा ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया। जैसे प्रकाश का सूक्ष्म रूप होता है उसकी एक किरण, और एक किरण जब भी कहीं पड़ती है,
वहां एक बिंदु बनता है और बिंदु की परिभाषा होती है एक ऐसा चिन्ह जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो। क्या हम ऐसा बिंदु बना सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो? नहीं बना सकते। कितना भी छोटा कोई भी इंस्ट्रूमेंट से डॉट लगाएंगे हमारे माइक्रोमीटर उसे नाप देंगे। हम प्रकाश की एक किरण को भी नाप देंगे। जैसे आपने देखा हो एक्सरे होता है उसमें हम वो रेज जिनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते उन रेज को हमारे हाथ पर डाला जाता है। यहां से किरणें जाएंगी और पीछे एक फिल्म होती है जहां हड्डियां हैं वो किरणें उसको पार नहीं कर सकती और जहां से हड्डी टूट गई है वहां से किरणें पार हो जाएंगी। हमें पता लग जाएगा कहां से हड्डी टूट गई है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कहां से हड्डी टूटी है। अब यदि हम उसको एनलार्ज करते हैं एक्सरे को तो आप देखेंगे डॉट 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 और उसको आप माइक्रोमीटर से ना उन अदृश्य किरणों को भी हम नाप लेते हैं। वो किरण भी नापी जा सकती है। अब हम थोड़ा और ध्यान से देखें इससे हम आगे चलें प्रकाश को, क्योंकि प्रकाश को हमने ऐसा बनाया कि जो धरती के अंदर हमें पता लगाना है चांदी कितना है सोना कितना है लोहा कितना है अभ्रक कितना है पीतल कितना है तो हम उसके पृथ्वी के दूसरी तरफ कोई फिल्म तो रख नहीं सकते। तो हम ऐसी किरणें बनाते जो जाएं टच करें वापिस आए और वापिस आने के बाद हमारे को बताएं उसकी जो पिक्चर बनेगी हम उससे कैलकुलेट करेंगे कितनी मात्रा में अवेलेबल है निकालें या ना निकालें। अब जैसे चांदी को पता लगाने के लिए हमने रेस डाली वो चांदी से रिएक्ट करके वापस आएंगी। आने और जाने में बीच में उसके लोहा भी आएगा सोना भी आएगा चांदी दूसरे मेटल्स भी आएंगे पत्थर भी आएंगे क्या क्या आएगा वो सबको पार कर जाएंगे केवल चांदी को टच करके वापस आएंगे। जब हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम उसकी एक किरण को नाप रहे हैं ना। ध्यान से देखो कि वो बाकी सबको क्रॉस कर गई है एक को क्रॉस नहीं कर सकती। परमात्मा कहते बच्ची तुम आत्माएं और तुम आत्माओं का पिता मैं परम आत्मा इतना सूक्ष्म है कि संसार की कोई वस्तु हमें क्रॉस करने से रोक नहीं सकती। आप ध्यान से समझो। अब गीता की वो लाइनें हमें समझ में आती हैं कि अग्नि जला नहीं सकती वायु सुखा नहीं सकता शस्त्र काट नहीं सकता पानी गीला नहीं। गीता में लिखा गया अच्छेद्योयम आदायोयम अक्लेद्य अशोष्य एवचे नित्य सर्वगते स्थावर चलो सनातना। अब हम ध्यान से देखें सर्वगते शब्द को लिखा गया जिसका हिंदी में अर्थ निकाला गया सर्वव्यापी, क्योंकि आत्मा को काटा नहीं जा सकता अच्छेद्य है आत्मा को अदाह्य है जलाया नहीं जा सकता अक्लेद है गीला नहीं किया जा सकता निस्संदेह उसे सुखाया नहीं जा सकता तथा यह आत्मा नित्य है सर्वव्यापी है। सर्वगति का अर्थ सर्वव्यापी ले लिया। हम ध्यान से देखें क्या आत्मा सर्वव्यापी है? इसको विचार करके देखो। एक आत्मा सवेरे से शाम तक कितनी जगहों पर जाती है परंतु क्या वो सब जगह है? सर्वगति का अर्थ क्या सर्वव्यापी हो सकता है? यहां से गलती शुरू हुई फिर दुनिया भर के एग्जाम्पल उसके ऊपर आए।
हाँ, इस पहले इसी बात को समझें, जैसे कहा जाता है आलू और सरदार सारी दुनिया में पाया जाता है, कोई ऐसा देश नहीं जहां आलू नहीं जहां सरदार नहीं। परंतु ये जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आप ध्यान से देखेंगे तो जो आत्मा इस शरीर में है वो संसार के किसी शरीर में नहीं, जो आलू मेरी मुट्ठी में है वो दुनिया में और कहीं नहीं, जो सरदार मैंने पकड़ रखा है वो सरदार सारी दुनिया में नहीं। जातिवाचक संज्ञा के रूप में आत्मा सर्वव्यापी है, परंतु व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आत्मा केवल इस शरीर में है और कहीं नहीं। इसी प्रकार आत्मा और परम आत्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म नहीं है। आज तक हम आत्मा को परमात्मा का अंश समझते रहे, इसीलिए हमने एग्जाम्पल लिया पानी का, हवा का, परंतु क्योंकि हम कहते थे ये सांस अंदर गया तो जीवन, सांस अंदर नहीं गया तो मृत्यु। अंदर की सांस बाहर आई परमात्मा बन गई, वही अंश अंदर गया हमारा जीवन बन गया। आत्मा हवा की तरह है, हवा के साथ हमने उसे कंपेयर कर दिया था, आपने कंपेयर किया कोई गलती नहीं है क्योंकि आपको ऐसा बताया गया। पर तो आज हमें समझना है कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, तो क्या परमात्मा को काटा जा सकता है? नहीं काटा जा सकता। आत्मा परमात्मा का अंश कहना ही रोंग है। परमात्मा सर्वज्ञ सर्वोच्च संपूर्ण है, हम आत्मा अल्पज्ञ है। हमें परमात्मा से ज्ञान चाहिए क्योंकि हमने ज्ञान को खो दिया, इसलिए हम प्रेयर करते हैं दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, क्योंकि वो दाता है हम लेने वाले, देने वाला और लेने वाला अलग। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे हैं, एक नहीं है, यही भूल यही गलती हमारे तुलना करने में भी आ जाती है, क्योंकि सत्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आत्मा ही परमात्मा है, तो जो पाप कर रहा है तो वो पाप भी परमात्मा कर रहा है ना, जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है ना, फिर सजा मैं क्यों भुगतूं? आत्मा और परमात्मा दोनों अलग है। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं, आत्मा परमात्मा नहीं, परंतु दोनों एक जैसे है। आत्मा अनेक है, देव आत्मा अनेक, धर्म आत्मा अनेक, महान आत्मा अनेक, पाप आत्मा अनेक, पुण्य आत्मा अनेक, परंतु परम आत्मा एक, कभी परमात्मा ही नहीं कहा जाता। परमात्मा की विशेषताएं सागर के साथ, उसके पास ज्ञान अथा शांति अथा प्रेम अथा आनंद अथा सुख अथा, और जितने देहधारी हैं सब अपनी एनर्जी को उसी प्रकार खर्च कर बैठे हैं जिस प्रकार बैटरी मोबाइल में जाते ही खर्च होना शुरू हो जाते हैं। अब वो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में उस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं,
और हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर ये महसूस करते कि हम भगवान के सानिध्य में आ गए हैं, अब हमें ज्ञान शांति प्रेम पवित्रता आनंद सब मिल जाएगा। इसी भावना से हम मंदिर में जाते, इसी भावना से मस्जिद में गुरुद्वारे में किसी भी तीर्थ या धार्मिक स्थान पर जाते समझते, और वहां जाने पर इसमें भी कोई शक नहीं कि वहां जो सुकून मिलता है, वहां जो शांति मिलती है, वो संसार के और किसी कोने में नहीं मिलती, किसी भी कोने में नहीं मिलती, जिसे ढूंढते रहते हैं। और वो परमात्मा कहां है, कैसा है, वो शांति, वो पवित्रता, वो सुख हमें वहां महसूस होता है। क्या ये गलत है, आपका प्रश्न उठ सकता है। वहां जो भी जाते हैं उनकी भावनाएं मैक्सिमम अच्छी होती है, सबकी अच्छी नहीं होती। और वो एक ऐसा वातावरण होता है, भगवान को वहां समझने के कारण उनकी भावनाएं अच्छी, वहां के वातावरण में शुद्धता होती है। आजकल तो खैर मैं नहीं कह सकता कि वो शुद्धता उतनी है या नहीं, परंतु बाहर की अपेक्षा मंदिर में, चर्च में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में अपेक्षाकृत बाहर जितना गंध है वहां थोड़ा कम है, इसलिए वहां सुकून मिलता है, शांति मिलती है। परंतु वहां जिनको ईश्वर कहा जा रहा है वो ईश्वर नहीं, वो देव आत्माएं हैं, धर्म आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, संत हैं, पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं, धर्म प्रचारक हैं, ब्राह्मण हैं, कथावाचक हैं। अब मैं उनकी पवित्रता पर कोई शक नहीं कर सकता, परंतु वो परमात्मा की तरह संपूर्ण पवित्र नहीं है। कितना पवित्र है वो स्वयं जान सकते हैं, परंतु वो भी हमारी तरह उस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। वो अपने आप को परमात्मा नहीं कह सकते, हम बल कह दे तुम परमात्मा, कोई भी देहधारी परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा एक है। उसे सारे संसार के धर्म परमात्मा मानेंगे तो परमात्मा है, सारे संसार के धर्म परमात्मा किसे मानते हैं, वेदों में ओम, हिंदी में ज्योति, गुरुद्वारे में एक ओम आकार, चर्च में गॉड इज लाइट, कुरान कहती है नूर। परमात्मा का यादगार ज्योति सभी धार्मिक स्थानों पर जलाया जाता है, चाहे वो जैन मंदिर हो, चाहे वो बौद्ध मंदिर हो, चाहे कोई मंदिर हो, किसी देवी देवता का मंदिर हो। इसलिए भाषा अलग अलग हो, बोलने का तरीका अलग अलग हो, पूजा करने की विधि अलग अलग हो, सबने ज्योति को ही परमात्मा माना है, किसी देहधारी को सबने परमात्मा नहीं माना। सबका ध्यान ऊपर है, चाहे महात्मा बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, महावीर जी हो, साईं बाबा हो। साईं बाबा ने तो दोनों हाथ ऊपर उठा के कहा सबका मालिक एक, उसने नहीं कहा कि सबका मालिक मैं। क्राइस्ट ने कहा आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम गॉड इज लाइट। पूरी दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जो ये कहे कि मैं परमात्मा हूं। व्यास ने श्री कृष्ण को परमात्मा कहला दिया, लिख दिया। कृष्ण ने भी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। कृष्ण भी गोपेश्वर में शिवलिंग की पूजा करता है। जो जिसकी पूजा कर रहा है नेचुरल, वो परमात्मा नहीं। परमात्मा कभी किसी की पूजा नहीं करेगा,
हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जिसे हम परमात्मा समझे बैठे वो परमात्मा नहीं, परमात्मा वायु नहीं, परमात्मा अनेक है, वो सब जगह नहीं, वो आता है। इसलिए गीता में लिखा यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, मैं आता हूं भारत का अभ्युत्थान करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए। आता है तो है नहीं। ओके, ओम शांति। से जितना मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको दे रहा हूं। विस्तृत जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें या मोबाइल नंबर 9213106986 पर व्हाट्सएप करें या विश्व के 137 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा चलाए जा रहे किसी भी सेवा केंद्र में जाकर संपर्क करें।